जंगली हाथी का कहर एक बार फिर जामताड़ा जिले में देखने को मिला। फतेहपुर प्रखंड के मालाडीहा गांव में पति और पत्नी की जान ले ली है। इलाके में इस तरह की पहली घटना नहीं है, लेकिन अब ग्रामीण इस बात पर अड़े हैं कि विभाग की तरफ से ठोस पहल की जाए। जामताड़ा के मालाडीहा जंगल से हाथी के आने पर गांव के जियालाल पावरिया और उसकी पत्नी सोनामणि टुडू भागने लगे, लेकिन हाथी ने दोनों को दबोचकर पटक कर जान ले ली। घटना की सूचना पर वन विभाग के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। मौके पर ग्रामीणों का गुस्सा वन विभाग पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने घंटों रेंजर प्रतिमा कुमारी को घेर कर रखा। ग्रामीण इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक वन विभाग हाथी को नहीं भगाएगा तब तक रेंजर को जाने नहीं देंगे। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन की सूझबूझ से रेंजर को हाथी खदेड़ने के बहाने ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया गया। इससे पूर्व रेंजर द्वारा 10,000 रुपए की सहायता राशि मृतक के पुत्र को दिया गया। मेरा ज्यादा सुबह भी नहीं हुआ था, उसके बाद मेरा मैदान के लिए निकल गया था पिताजी, वहाँ पर हाथी मिल गया। उसको हाथी मिलकर वहाँ से भाग आया घर पर घुस के हम लोग को, चलो बेटा भागना है, चलो भागना है, तो उन दोनों भाग कर निकल गया। माँ को बचाने के लिए मेरा पिताजी भी आ रहा था, उसको दोनों को पटक दिया और फिर पटक के मार दिया दोनों को पटक के मार दिया। मॉर्निंग वॉक करने के लिए तो उस टाइम पूरा हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो हम आए तो देखे यहाँ लोग बोल रहा है कि हाथी आया, तो हाथी को हमको नहीं देखने को मिला। देखा कि एक आदमी वहाँ कदम में पड़ा हुआ है, उसको हम लोग उठाए हैं। उसके बाद एम्बुलेंस भी फ़ोन किए थे, एम्बुलेंस भी आया था, तब तक डेथ हो गया और एक आदमी तो पहले डेथ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।